हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये नोकिया का सेल फ़ोन है। इसमें प्रॉब्लम इसका है कि इसमें डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है, और साथ में डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले आईसी लाइट आईसी होता है वो यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे भी नहीं है। जैसा कि हम आपको मेरे पास दूसरा है तो हम इसमें से आपको दिखा दे रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसमें जो है कि कहीं रिपेयर के लिए गया था, तो इन दोनों में ये है नहीं। तो इसको आज जंपर द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसका प्रॉब्लम, उसके बारे में ये वीडियो है। तो आइए जंपर लगाने के बाद आपको अच्छे से इसको दिखाते हैं कि कहां से कहां हमने जंपर लगाया है। तो सबसे पहले तो पेस्ट लगाने के बाद हम इसमें जो है कि जंपर वायर सोल्ड कर देते हैं। तो इसमें हमें जो है कि दो जंपर वायर देना पड़ेगा। तो हमने जो है कि पहला जंपर वायर सोल्ड कर दिया है, और सेम जो है कि हमें दूसरा जंपर वायर भी सोल्ड करना है। तो दूसरा वाला भी जंपर वायर सोल्ड कर देते हैं। तो जैसा कि मेरा जंपर वायर लग गया है, तो पहले ऑन करके चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसा देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले पे लाइट आ गया है। तो हम आपको अब डिटेल में बताते हैं हमने कहां से कहां इसको वायर जो है कि जंपर दिया है। तो देख सकते हैं जैसा कि मेरा दो वायर है, दो आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये होता है तीन पैर वाला, तो हमने इसके ये ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे सोल्ड किया, और ये जो देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, इसके ऊपर एक आप देखेंगे ध्यान से बोर्ड के अंदर, तो एक यहाँ से यहाँ ऐसे गया है, तो उसे स्क्रैच करके यहाँ पे सोल्ड करना है। और दूसरा वाला जो है कि इसके नीचे यहाँ पर सोल्ड किए हैं, वहाँ से लेके इस कंपोनेंट पर यहाँ पर हमने जंपर दिया है। तो आप भी इस तरीके से अपना जंपर दे सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।